शुक्लां ब्रह्म विचारेश्वर परमा माद्यां जगद् व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी मवयदा हसे स्फाटिकमालिका विदधते पद्मासने संस्थिता वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां क्षरसमाम्नाया मधिगम्या महेश्वरा कृष्णां व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः ओम शांति शांति शांति। गौरी समाज से अथ बहुव्रीहि शेषो बहुव्रीहि अनेकमन्य पदार्थे सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहो हलदन्तात् सप्तम्याः संज्ञायाम् स्त्रियः पुनवद्भासित पुष्कादनं समानाधिकरणे स्त्रियाम पूरणे प्रियादिषु अपूरणे प्रमाण्यौः बहुव्रीहौ सक्त्यक्षणोः स्वाङ्गात् सत् समासांत चल रहा है बहुव्री समास में। तो बहुप्रिय हो सत्यक्षण संगा सच, समासांत कौन सा है? सच। ये सच प्रत्यय जो हो रहा है समासांत, समासांत का अर्थ है समास का अवयव, ठीक है। तो बहुव्री समास में ये लगता है, यहाँ से जितने भी आएगा अभी समासांत, ये सब बहुव्री समास में ही होता है ना। तो बहुव्रीहि समास के अंत में क्या शब्द हो? शक्ति अथवा अक्षी। शक्ति अथवा जो अक्षी है ये स्वांग वाचक होना चाहिए, अपने अंग का अवयव, अपने अंग का वाचक होना चाहिए, शरीर का। समझ में आया ना? जैसे कह दिया दीर्घ शक्त दीर्घ शक्त का विग्रह हुआ दीर्घे शक्तिनी यस्य सह दीर्घ शक्त। अलौकिक विग्रह क्या है? क्या है दीर्घ औ आगे शक्ति औ शक्ति में हर्ष ही कारण थे कि दीर्घ ही कारण थे? हर्ष नपुंसकलिंग में होता है दीर्घ औ शक्ति ओ का लुक हो गया तो कितना रहा दीर्घ शक्ति। बहुव्रीहि समास है किस सूत्र से बहुव्रीहि समास हो रहा है? हाँ अनेक मन्य पदार्थे। अब समास देखो इस बहुव्रीहि समास के अंत में क्या शब्द है? शक्ति। और शक्ति हो गया स्वांगवाचक, अपने शरीर के अवयव का वाचक हो गया नहीं। शक्ति बोलो उरु जंगा। तो इसलिए समासांत कौन सा प्रत्यय हुआ? सच सच, ठीक है। सच का क्या रहेगा? ओ रहेगा, चकार की इत संज्ञा और सकार की भी इत संज्ञा। सकार की संज्ञा किससे होगी? सह प्रत्ययस्य। तो क्या रहेगा? ओ रहेगा। दीर्घ शक्ति के बाद क्या है? अ। शक्ति के इकार का लोप हो गया, लोप हो गया तो कितना रहा? दीर्घ शक्त अकारांत हो गया।
और स्वकार के संज्ञा क्यों किया, स्त्रीलिंग के लिए किया। सिद्ध गौराधिभ्यश्च सूत्र आएगा स्त्रीलिंग प्रकरण में, है ना, तो इसलिए उसे गिंस प्रत्यय होता है। कौन सा? गिंस गिंस गिंस, हाँ गिंस प्रत्यय। तो गिंस प्रत्यय जब कर दोगे ना तो स्त्रीलिंग जब करेंगे किसी महिला आदि का उरु यदि दीर्घ हो तो उसमें गिंस प्रत्यय हो जाएगा, है दीर्घ शक्ति दीर्घ ही कारण हो जाएगा। अब पुलिंग में हो तो गिंस नहीं होगा, दीर्घ शक्त पुलिंग में क्या होगा, दीर्घ शक्त स्त्रीलिंग में क्या होगा, दीर्घ शक्ति विसर्ग नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा तो ये शक्ति का उदाहरण हो गया। अब देखो अक्षी का उदाहरण है, अक्षी का उदाहरण ऐसा है, कहते हैं जलजाक्षी, बोलो जलजाक्षी। तो जलजाक्षी में क्या है, देखो जलजे इव अक्षणी यस्य यस्या, ऐसा है स्त्रीलिंग है ना, जलजे इव अक्षणी यस्या, यस्या स्त्रीलिंग है। जलज किसका बोलते मालूम है, समुद्र नहीं कमल को, कमल कमल जलज हो गया कमल, जलज हो गया कमल है ना, कमल की तरह आंखें जिसकी हो स्त्री, हाँ उपमान दिया जा रहा है ना, उपमान दिया जा रहा है, ठीक है। तो क्या लौकिक विग्रह मालूम है, जलजे इव अक्षणी यस्या सा जलजाक्षी, ऐसा बनेगा, समझ में आया ना। और अलौकिक विग्रह क्या होगा, जलज औ अक्षी औ, जलज औ अक्षी औ, ठीक है। हाँ तो अगरी समास है, ये अक्षी रे चक्षु, ये तो स्वांग वाचक हो गया ना, शरीर के अवयव वाचक हो गया, तो इसलिए जो है शब्द क्या बनेगा, पहले जलजाक्षी, क्या बनेगा जलजाक्षी, बहुव्रीहि समास है, है तो अंत में क्या शब्द है, अक्षी सांगवाचक हो गया, इससे फिर क्या समासांत होगा बोलो, है सच, सच का क्या रहेगा, और हाँ जलजाक्षी में कौन सा इकार है, हर्ष इकार है, अक्षी शब्द तो हर्ष इकार अंत होता है, इकार का लोप हो गया किस सूत्र से, यस्य तिच से इकार का लोप हो गया, और जोड़ दो कितना रहा जलजाक्ष, शब्द तो पहले हो जाएगा जलजाक्ष। अब ये स्त्रीलिंग का है ना, स्त्री का वाचक है ये, तो स्त्रीलिंग को बोध कराने के लिए गिंस प्रत्यय करना होगा। सिद्ध गौरा दिव्यश्च सूत्र है, क्या सूत्र, उसे गिंस प्रत्यय हो जाएगा दीर्घ इकारांत, क्या है दीर्घ इकार, गिंस गिंस का ई रहता दीर्घ इकार, और जलक जाक्ष में जो ओ है ना, ओ का क्या होगा लोप, किससे कैसे थी जैसे लोप हो गया, आसन में तो क्या बन गया जलजाक्षी दीर्घ इकारांत। ये किस लिंग में चल रहा है, त्रिलिंग में चलेगा, ठीक है। और पुलिंग यदि हो तो जलजाक्ष अकारांत होगा, गिंस नहीं होगा, है हो गए भाई। जैसे मान लीजिए भगवान विष्णु है, उनकी आंखें कमल की तरह है मान लो, है तो क्या बनेगा जलजाक्ष बनेगा, जलजाक्षी नहीं है। स्त्रीलिंग हो भगवती लक्ष्मी है कोई हो तो उसको क्या कहेंगे जलजाक्षी, और भगवान विष्णु के लिए कहेंगे तो जलजाक्ष हो गया। तो दोनों का उदाहरण हो गया, शक्ति का उदाहरण हो गया दीर्घ शक्त, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो तो अच्छा है, कोई बात नहीं, दीर्घ शक्त के बाद क्या लिख देंगे, दीर्घ शक्ति है कहाँ पर, वही पुस्तक में
दीर्घ शक्त उसके बाद दीर्घ शक्ति स्त्रीलिंग हो जाएगा, सुनते हो? हाँ। और जलजाक्षी स्त्रीलिंग है ना, और पुलिंग होगा तो जलजाक्ष, दोनों लिख देने से अच्छा है। ठीक है, उसके बाद देखो सूत्र में कहा ना स्वांगात, क्या कहा? स्वांगात कहा। स्वांगात किम बोलो? स्वांगात किम, मतलब सूत्र में स्वांगात शब्द का ग्रहण किमर्थम, क्यों है? स्वांग नहीं कहते, स्वांग शब्द नहीं कहते। जो स्वांग वाचक नहीं है वहां पर भी समासांत हो जाता है, बराबर है? जैसे देख लो दीर्घ शक्ति शकटम, बोलो दीर्घ शक्ति शकटम। शकट जानते हो? बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। उसको तो शकट शकट है ना, तो शकट में भी शक्ति लगती है, क्या है? शकट में भी शक्ति। हाँ, जैसे ऐसा लगाते ना, ऐसे लंबा ऐसे लगाते हो है ना, क्या बोलते हैं इसको, एक्सेल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सेल शायद बोलते हैं कुछ, अरे ऐसे लंबा रहता ना, ऐसे दो दो पहिया को जोड़ने वाला है, इधर एक पहिया होगा इधर एक पहिया, बीच में से जोड़ेगा कि नहीं? हाँ ठीक है, तो उसको शक्ति बोलते हैं। हाँ है ना, वो बैलगाड़ी का जो शक्ति है वो कैसा है? दीर्घ है, बराबर है जी। हाँ हिंदी में धुरा, धुरा हिंदी में धुरा बोलते हैं, है ना, तो वो है शक्ति, सुनते हो? तो ये स्वांगवाचक है जी। कहाँ स्वांगवाचक है? तो बैलगाड़ी के चेतन है क्या? स्वांगवाचक नहीं है, फिर भी वहां पर शक्ति शब्दों का प्रयोग होता है। शक्ति शब्दों का प्रयोग बैलगाड़ी का अवयव में भी होता है, लेकिन उसको स्वांग नहीं कहा जाता है। स्वांग मतलब क्या है? चेतन शरीर का अवयव, शरीर का अवयव, जीवित शरीर का अवयव को कहा जाएगा, शरीर का अवयव कहा जाए। ठीक है, तो वो शरीर का अवयव है क्या? नहीं है, इसलिए वहां पर क्या नहीं होगा, सच प्रत्यय समासांत नहीं होगा। ठीक है, समास तो बहुव्रीहि है, इसमें किसी प्रकार शंका नहीं है। बहुव्रीहि समास होने पर भी शक्ति, दीर्घ शक्ति में जो शक्ति है वो स्वांगवाचक नहीं है। अब शकट के लिए शब्द का प्रयोग कर रहे हो दीर्घ शक्ति, दीर्घ शक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं? हाँ हाँ, शकट के लिए कर रहे हो, उसका विशेषण है ना जी। इदम शकटम है किदृशम, दीर्घ शक्ति, तुम्हारा शकट कैसा है? तो क्या बोल दिया? मामा शकटम दीर्घ शक्ति है, दीर्घ शक्ति का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं? शकट के लिए कर रहे हो, तो स्वांगवाचक है नहीं है, है ना, इसलिए बहुव्रीहि समास होगा। हाँ, जो पूछते हैं वो मन को एकाग्र करो, बहुव्रीहि समास होगा, होगा लेकिन समासांत होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कौन नहीं है? शक्ति, नहीं शक्ति शब्द, इसलिए समासांत नहीं होगा। तो बस इतना रहा दीर्घ शक्ति, ये पुलिंग है कि नपुंसक है? क्या बोलते हो? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है ये। फिर शकटम विशेष्य हो गया ना, उसका विशेषण होगा दीर्घ शक्ति, इसलिए नपुंसक है, दीर्घ शक्ति नपुंसक है। ठीक है, चलो ठीक। इसी प्रकार से स्थूलाक्षा वेणु यष्टिः, देखो वेणु यष्टि, यष्टि जानते हो? वेणु के लिए यष्टि है ना, अरे बांसुरी बनाना है, इसलिए यष्टि है बांस, है ना। तो ये जो वेणु यष्टि है इसमें जो अक्षी है ना, आंखें होते ना जो है, गांठ गांठ उसमें आंखें आंखें की तरह होती है, ठीक है, हाँ छोटी छोटी होती है, उसको भी अक्षी बोल देते हैं, है ना। वो क्या है? वो स्थूल है वो, ठीक है, हाँ स्थूल है। तो क्या होगा? देखो
स्थूलानी अक्षणी, हाँ यस्याः, ऐसा करो स्थूलानी अक्षणी अक्षीणी, अक्षी में दीर्घ ही कर होगा, स्थूलानी अक्षीणी यस्याः सा स्थूलाक्षा, ठीक है भाई, स्थूलाक्षा। देखो सर लघु में देखो स्थूलाक्षा, ओलो के वगैरह क्या हो बोलो, स्थूल शब्द है ना, स्थूल जस और अक्षी जस बहुवचन ना है, है ना, सुनते हो नारायण जी। तो यहाँ पर जो अक्षी है स्थूलाक्षी में जो अक्षी शब्द है सांगवाचक है क्या, नहीं, नहीं है, इसलिए यहाँ पर भोबरी समास होगा, होगा होगा, भोबरी समास के लिए कोई शंका नहीं है, समासांतर नहीं होगा, समासांतर सच प्रत्यय नहीं होगा, आगे समझ में है ना, हाँ, जब नहीं होगा तो क्या होगा मालूम है, फिर स्थूलाक्षी होना चाहिए, स्थूलाक्षा ये कैसे हो गया भाई, देखो अगले वृत्ति पंक्ति में कहते हैं, अगली पंक्ति में अक्षण दर्शनात इति वक्षमाणो अच, देखो पन्ना पलट दीजिए, एक समासांत आएगा 192, हाँ एक समासांत प्रकरण है लघु में 192 गीता प्रेस की नई पुस्तक में, ये सूत्र ना देखो अक्षणो दर्शनात, मिला हाँ, ये है वक्षमाण, मतलब आगे कहने वाले जो सूत्र है, कौन सूत्र, अक्षणो दर्शना, इस सूत्र से समासांत अच प्रत्यय करना है, कौन सा प्रत्यय करना है, अच प्रत्यय करना है, ठीक है, तो उसी सूत्र से जो सूत्र आगे कहेंगे समासांत प्रकरण में, ठीक है, तो अक्षणो दर्शनात ये सूत्र है, सुनते ना, हाँ इसके ऊपर चिन्ह लगाओ, अक्षण दर्शना ये सूत्र है वृत्ति में, अक्षण दर्शना ये क्या है ये नहीं बताया ना, इसलिए चिन्ह लगा दो, मतलब ये सूत्र है, ठीक है, हाँ तो इस सूत्र से अच प्रत्यय होगा, है ना, किस शब्द में, स्थूलाक्षी, स्थूलाक्षी है हर्ष इकारांत, उससे अच प्रत्यय हो गया, अच प्रत्यय, अच का क्या रहेगा भाई, और रहेगा, ठीक है, स्थूलाक्षी आगे बोलो अकार, संधि में क्या सूत्र प्राप्त है, इको एनर्जी संधि में, लेकिन संधि लगेगी नहीं, क्या होगा, इकार का लोप हो जाएगा, यस्य तिच सूत्र, बहुत काम का सूत्र है यस्य तिच, ठीक है, इकार का लोप हो जाएगा, हैं इकार का लोप कर देंगे, हैं तो हल रहा छ है ना, तो उसको जोड़ दो ओकार के साथ क्या बनेगा, स्थूलाक्ष, तो स्थूलाक्ष शब्द हो गया, फिर स्थूलाक्ष कहाँ से आ गया, आकारांत, इधर देखो वेणु यष्टि है ना, यष्टि शब्द स्त्रीलिंग में होता है, यष्टि शब्द स्त्रीलिंग में होता है, और उसका विशेषण के रूप से इस शब्द का प्रयोग हो रहा है, किस शब्द का, स्थूलाक्ष का, स्थूलाक्ष शब्द का प्रयोग किसके लिए कर रहे हो, हाँ विशेषण के लिए, किसका विशेषण, यष्टि का, यष्टि शब्द है ना जो है स्त्रीलिंग में होने के कारण, उसका विशेषण होने के कारण स्थूलाक्ष में क्या होगा, स्त्रीलिंग का बोध कराने वाला प्रत्यय होगा, क्या है, स्त्रीलिंग को बोध कराने वाला प्रत्यय होगा, तो सूत्र आएगा अजाद्यतष्टाप, क्या सूत्र, हाँ इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को याद हो जाए, क्या सूत्र, टाप हो जाएगा, टाप का आ रहेगा है ना, तो क्या शब्द बन जाएगा, स्थूलाक्षा, क्या शब्द हो जाएगा, स्थूलाक्षा, हो गया नारायण, तो ये शब्द हो गया, ये सूत्र का हो गया पूरा, बहुबरी सूत्र का,
और देखो समास अंत ही चल रहा है ना। अगला सूत्र है द्वित्रिभ्याम स मूर्धनः द्वित्रिभ्याम स मूर्धनः ये भी समासांत के प्रकरण में है। ठीक है, हाँ देखो बहुप्रियो बोल दिया ना ऊपर सूत्र, वो 13 है और ये 15 है, बीच में एक छोड़ दिया, जो काम का है उसको ले लिया और क्या है। तो बहुत सारे सूत्र है, इधर लघुना है हाँ, यार लंबा चौड़ा पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा, पूरा अष्टाध्याय सूत्र यदि पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे लोग, इतना जब नहीं पढ़ रहे हैं पूरे सूत्र पढ़ो बोलने से कौन पढ़ेगा। ठीक है। तो ये लघु है, ये आगे कहाँ पूरा कहाँ पढ़ेंगे भाई, लोग बोलते भी ना अरे काहे के बुढ़ापे में पढ़ रहे हो, नहीं रख सकते लोक्रिया करण है बोलते हैं। है कि नहीं। लेकिन जो व्याकरण पढ़ता है इसमें कितना महत्व है, पढ़ने वाला ना जानेगा, जो लड्डू नहीं खाता है वो क्या जानेगा लड्डू क्या होता है, बोलो है कि नहीं। बोल तो बोलेगा डायबिटीज होगा, पता नहीं लड्डू में है क्या वो। इसी वगैरह जो नहीं पढ़ा उनको पता नहीं रहता कि व्याकरण में क्या है। चलो जैसे ब्रह्मसूत्र एक पाठ चल रहा है ब्रह्मसूत्र, उसमें आया कि ब्रह्म जिज्ञास है ना, वहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है, हाँ ब्राह्मण जिज्ञास है ब्रह्म जिज्ञास। जो लोग नहीं पढ़ा व्याकरण वे क्या षष्ठी तत्पुरुष होगा, क्या पढ़ेगा वो, वेदांत भी कैसे पढ़ेगा बताओ। हाँ लोग जो आक्षेप करते हैं कहेगा व्याकरण पढ़ना, वहाँ पर भी आया षष्ठी व्यक्ति तो कौ किस अर्थ में षष्ठी है, मगन भाष्यकार विचार किया है ना, कर्मणि इति षष्ठी, कर्म अर्थ में षष्ठी व्यक्ति, जो व्याकरण नहीं पढ़ा है तो कैसे समझेगा, अब समझेगा भी तो उसको कैसे, सामने वाला जो कोई कुछ पढ़ा ही नहीं है उसको कैसे समझाओगे, ना समझ सकता है ना उसको आप समझा सकते हो, कठिन हो जाता है। चलिए तो द्वित्रिभ्याम स मूर्धनः, द्वित्रिभ्याम स मूर्धनः उच्चारण तो हो गया, सूत्र में 3 पद है, द्वित्रिभ्याम पंचमी का द्विवचन क्या है। पंचमी का द्विवचन द्वित्री का पंचमीवचन, पंचमी द्विवचन क्या बनेगा, द्वित्रिभ्याम ये द्वंद समास है, द्वित्री में द्वंद। ठीक है, दूसरा पद क्या है स है, ये समासांत है इसलिए इसको प्रथमा एक वचन करो, स को लुप्त प्रथमांत, विभक्ति नहीं दिख रही है फिर भी इसको प्रथमा एक वचन ही समझना चाहिए। ठीक है ना भाई, क्योंकि जो प्रथमांत होता है कि नहीं, वो तो विधेय होता है, विधान कर रहे हो है किसका, समासांत प्रत्यय का, इसलिए स को प्रथमा एक वचन ही समझना चाहिए। ठीक है, तीसरा पद है मूर्धना, ये पंचमी का एक वचन क्या है, पंचमी का एक वचन क्या सब, हाँ पंचमी एक वचन किसका, मूर्धन मूर्धन ध ध पूरा मूर्धन ये शब्द होता है। ठीक है, हाँ नकार तो हलन है, उसका पंचमी एक वचन क्या बनेगा, मूर्धना, हाँ अन के अकार को लोप कर देंगे और लोप न होगा है ना, तो क्या बनता है मूर्धना, हाँ बनता है। ठीक है नारायण। चलिए तो बहुव्रीहि है ना सूत्र, ऊपर सूत्र है बहुव्रीहि, वहीं से बहुव्रीहि की अनुवृत्ति आ जाएगी, बहुव्रीहि हो मतलब बहुव्रीहि समास में। ठीक है, सरल सूत्र है आभ्याम मूर्धनः सहस्यात्, बहुव्रीहि हो पढ़ो एक बार, हाँ देखो आभ्याम कहने से कहाँ का है आभ्याम शब्द भाई, बोलो में और अरे भाई आभ्याम शब्द कहाँ का है पूछ रहा हूँ, क्या कह रहे हो, अस्मत शब्द का आभ्याम बनेगा, फिर एक बार लोग पढ़ो, आभ्याम शब्द अस्मत का बनेगा, इदम शब्द नहीं,
इदम शब्द का पंचमी द्विवचन क्या बनेगा? आभ्याम नहीं बनेगा, अस्माद आभ्याम क्या एभ्य, ठीक है। चलो आभ्याम कहने से क्या द्वित्रिभ्याम, मतलब द्वि शब्द त्रि शब्द से परे क्या शब्द हो, मूर्धन, क्या शब्द हो, मूर्धन है ना, ऐसा मूर्धन जिसके अंत में हो, भवरी समास के सूत्र का अर्थ ही होगा द्वि त्रि से परे, द्वि त्रि से परे, द्वि अथवा त्रि, हाँ द्वि त्रि से परे मूर्धन शब्द है जिसके अंत में हो, जिसके अंत में हो ऐसा बहुव्रीहि समास से, ऐसा बहुव्रीहि समास से, समासांत स प्रत्यय हो, समासांत स प्रत्यय, कौन सा स है, मूर्धन स, ये समासांत है, हाँ स प्रत्यय हो, ठीक है। तो जैसे द्विमूर्धः, बोलो त्रिमूर्धः, पहला शब्द क्या है द्विमूर्धः, मतलब जिसके दो मूर्धा हो, कोई राक्षस होगा और क्या होगा कि नहीं भाई, दो मूर्धानौ यस्य, ऐसा होगा, क्या होगा, दो मूर्धानौ यस्य, द्वि शब्द है, हैं द्वि किस वचन में चलेगा, द्वि शब्द द्विवचन में चलेगा और क्या, द्वि आगे औ, द्वि औ, ठीक है, और आगे मूर्धन औ, क्या है, हाँ मूर्धन शब्द है, मूर्धन मूर्धन नकारांत है, ठीक है, द्वि औ आगे मूर्धन औ, अलौकिक विग्रह हो गया, किस सूत्र से समास हो रहा है, अनेक मन सूत्र तो वही है, ठीक है, ओ का लुक हो गया, अब कितना रहा बोलो, द्वि मूर्धन हो गया, बहुव्रीहि समास है ये, है बहुव्रीहि, इसलिए क्या होगा, स प्रत्यय होगा, है अंतिम में बैठेगा स, नकार के बाद में क्या बैठेगा, स, स का क्या रहेगा मालूम है, स कहाँ जाएगा, सकार सकार, सकार की संज्ञा होगी हलंत्यम, सह प्रत्यय से, सह प्रत्यय से सकार की संज्ञा हो जाएगी, तो क्या रहेगा मालूम है, ओ रहेगा, सकार की संज्ञा क्यों करते हैं मालूम है, लोप करने के लिए, हाँ स्त्री प्रत्यय करना, स्त्रीलिंग बोधक प्रत्यय करना, सिद्ध गौरा दिव्यश्च, सिद्ध गौरा दिव्यश्च सूत्र से क्या करते हैं, गिंस प्रत्यय करते हैं, त्रिलिंग को बोध करने वाला गिंस प्रत्यय होता है ना, ये आगे प्रयोजन होगा, प्रयोजन होता है ना तब न करेंगे ये संज्ञा, क्यों भाई, कोई प्रयोजन होगा तब तो प्रवृत्ति होगी, ये संज्ञा करेंगे है, ये ले या संज्ञा सा प्रयोजनवती, जिस किसी को संज्ञा करेंगे उसका कोई प्रयोजन होता है, क्या होता है, प्रयोजन होता है, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं कि किसी का नाम रख दो और उसका कोई प्रयोजन ना हो, ऐसा है क्या, नहीं ऐसा नहीं होता है प्रयोजन करना व्यवहार होता है, चलो तो स का और रह गया, हाँ और लोप हो जाएगा, किसका लोप होगा मालूम है, ऑन का, किस तरह से, अव्यय प्रकरण में गया, नस्तद्धिते, क्या है, जो समासांत प्रत्यय होता है ना वो तद्धित में आएगा, किस में आएगा, जो कोई भी समासांत प्रत्यय होता है वो किस में आता है, तद्धित, क्या कहते हैं उसको, तद्धित है कि नहीं, ये तद्धित है, ये स का अ है कि नहीं है, अब पूर्व में क्या है, अंग द्विमूर्धन ऑन है, अंतिम में ऑन है, इसलिए उसका उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नकारांत शब्द है ना, नकारांत, उसका टी कौन है, ऑन, ऑन का लोप हो जाएगा,
उनका लोप हो जाएगा तो विमूर्ध। हाँ देखो धकार रहेगा ना, द्विमूर्ध है, आगे अ को जोड़ दो, क्या होगा द्विमूर्ध, पुलिंग में क्या होगा द्विमूर्ध, क्या होगा द्विमूर्ध हो जाएगा, ठीक है नारायण, ऐसा होता है। उसके बाद त्रिमूर्धा में भी ऐसे हो जाएगा, बोलो त्रिमूर्धा में क्या होगा, बोले त्रयः त्रयः मूर्धानौ मूर्धानः मूर्धानः यस्य सः त्रिमूर्धः हो जाएगा ना भाई, त्रिजस मूर्धन जस, त्रिजस मूर्धन जस, सुनते हैं ना, ऐसा हो जाएगा, हो गया कि नहीं, आए क्या कह रहे हैं, त्रिमूर्धा हो जाएगा, जस होगा, हो गया भाई। चलो अगला सूत्र, अंतर बहिर्भ्याम च लोम्नः, अंतर बहिर्भ्याम च लोम्नः, अंतर बहिर्भ्याम च लोम्नः, अंतर बहिर्भ्याम च लोम्नः। देखो ये भी बहुरी में ही है, सूत्र में कितना है, दो है कि तीन पद है, तीन पद है, अंतर बहिर्भ्याम पंचमी का द्विवचन, चतव्य है ना, हाँ, और जो है लोमना हा बोल दिया, क्या कह दिया लोमना हा, लोमन का पंचमी एक वचन लोमना बनेगा, है पांच चार एक सौ सत्रह, कितना पद हो गए, तीन पद हो गए है ना, महादेव पहले आ रहा था अप्रत्यय, ये देखो अपूरणी प्रमाण है ना, देखो ऊपर सूत्र लघु में देखिए उसका नंबर क्या है, अपूरणी प्रमाण्य का नंबर क्या है, और ये कितना 117 नीचे है कि नहीं, है ना, जैसे वहां पर कौन सा प्रत्यय हो रहा था अप, और ये बोलते यहाँ पर भी अप हो जाएगा, इधर च बोल रहा है अंतर बहिर्भ्याम, हाँ ये बोलता है वृत्ति देखो सरल है, अपूरणी प्रमाण्य जो कार्य करता है ये सूत्र भी वही कार्य करेगा, ठीक है, वो जैसे बहुव्रीहि में करेगा ये भी बहुव्रीहि में करेगा। देखिए आभ्याम लोमनः, बोलो आभ्याम लोमनः, अप्स्यात् अप्स्यात् बहुव्रीहौ बहुव्रीहौ, हाँ देखो ये विभक्ति बताइए, लोमन में क्या विभक्ति है, पंचमी किसका, लोमन, हाँ लोमन, लोमन। म पूरा होता है लोमन, ठीक है, लोमन का पंचमी उच्चारण लोमनः, अन के आकार का लोप कर देंगे तो लोमनः हो जाएगा, जैसे हाँ यश्य ये अलोपन महादेव। सूत्र का अर्थ क्या हो गया, अंतर अथवा बहिर् रेफांत, अंतर अथवा बहिर् अव्यय है ये, अंतर बहिर् अव्यय होता है, हाँ अंतर बहिर् अव्यय से परे, स्पष्टता के लिए मैंने बोल दिया अव्यय, अंतर बहिर् अव्यय से परे लोमन शब्द, लोमन शब्द, लोमन शब्द, हाँ जिसके अंत में हो, जिसके जिसके अंत में हो, ऐसा बहुव्रीहि समास से, ऐसा बहुव्रीहि समास से, ऐसा बहुव्रीहि समास से समासांत अप प्रत्यय हो, क्या प्रत्यय हो, समासांत अप प्रत्यय, अप प्रत्यय हो, ठीक है नारायण जी। तो जैसे अर्थ तो हो गया ना, समझ में आ गया, जैसे अंतर्लोम, बोलो ये बहुव्रीहि है, बहुव्रीहि करना है ना, तो क्या होगा मालूम है, अंतर्लोमानी, अंतर्लोमन, लोमन का बहुवचन लोमानी बनेगा, अंतर्लोमानी यस्य सह अंतर्लोमः, अंतर्लोमः, हाँ लोम होता है
जैसे कपड़ा वगैरह होता है ना, अंदर लोम होता है बाहर नहीं होता है, ऐसा है कि नहीं? कोई की हाँ, जिस कपड़े के अंदर लोम है बाहर नहीं, बाहर एकदम साफ है, अंदर लोम, सुनते हैं ना, पहनने के लिए अच्छा लगता होगा जो भी है ऐसा होता है क्या? कोट वगैरह सिलाते ना कैसे है, अंदर लोम होता है बाहर एकदम साफ दिखता है कि नहीं? तो वो ऐसे कपड़े वस्त्र को कहा जाएगा अंतर लोम। विग्रह क्या होगा बोवरी का और लौकिक क्या होगा बोलो? अंतर लोमानी यस्य, ठीक है, ये विग्रह हो गया। अलौकिक क्या होगा? अंतर अंतर लोमन जस, अंतर तो अव्यय है, विभक्ति होगी नहीं, अंतर लोमन जस, तो शब्द क्या होगा? अंतर लोमन, ठीक है नारायण। अभी ये अप्रत्यय हो गया, अब का क्या रहेगा? और रहेगा और रहेगा, ये समासांत है, तद्धित है, है ना, तद्धित समासांत तद्धित होता है, या नष्ट तद्धित से किसका लोप हो जाएगा? अन का लोप हो जाएगा। क्या सूत्र बोलो? अव्यय प्रकरण में गया है ये, अव्यभाव प्रकरण में। तो अकारांत हो गया अंतर लोम, और ये किसी पट का पटह, पटह शब्द पुलिंग होता है, और वस्त्र नपुंसक होता है, पट पुलिंग होता है। अयम पटह कीदृश अंतर लोम, अयम पटह कीदृश अंतर लोम, हो गया ठीक है। नपुंसक यदि करेंगे तो अंतरलोमम हो जाएगा, इदम वस्त्रम अंतरलोमम, ये तो पुलिंग के लिए कह रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से बहिर्लोमः, बोलो इसका क्या होगा? बहिर्लोमानि यस्य सः बहिर्लोमः, अलौकिक तो ऐसे ही है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। कोई मान लीजिए चादर वगैरह हो, कम्बल वगैरह हो, उनका लोम किधर है? बाहर है, अंदर ठीक है, अंदर साफ है, और बाहर लोम है ऐसा कोई हो विलक्षण है कि नहीं? तो इसको कहेंगे बहिर्लोम। ऐसा है ना, टोपी वगैरह पहनते हैं ठंडी में, टोपी वगैरह पहनते हैं कि नहीं? हाँ, अंदर लोम, ये बाहर लोम होता है, अंदर लोम नहीं होता है, ऐसा भी है कि नहीं? हाँ, आए विलक्षण आजकल होता है, ठीक है। हैं, हाँ चलो, यहाँ तक हो गया। और एक देखो लोप करने वाला, पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः, पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः, पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः, पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः। तीन पद है नारायण, पादस्य ये षष्ठी का एक वचन है, ठीक है भाई। हाँ, और लोप क्या होगा? प्रथमा का एक वचन है, ठीक है ना। और आगे क्या बोल दिया? अहस्त्यादिभ्यः, अहस्त्यादिभ्यः, पंचमी का बहुवचन हो गया। शब्द क्या होगा? अहस्त्यादि, हस्त्यादि ये गण है, गण गण गण, कई शब्द के समुदाय को बोलते हैं गण। गण पाठ लिखा है ना महर्षि पाणिनि ने, सूत्र पाठ, गण पाठ, धातु पाठ, ये सब किसने लिखा है? महर्षि पाणिनि ने लिखा, ठीक है। हस्त्यादि क्या शब्द, क्या गण है? हस्त्यादि, हस्त्यादि गण में नहीं होना चाहिए शब्द, है कि नहीं? इसलिए न हस्त्यादि ही अहस्त्यादि ही, सुनते भाई, मतलब हस्त्यादि गणपटी शब्द न हो, ठीक है, ये बोलते हैं। देखो वृत्ति में दिया है, और यहाँ पर एक अनुवृत्ति आती है उपमानात, क्या है? उपमानात, उपमानात एक सूत्र है, वहां से उपमान की, उपमानात की अनुवृत्ति आ जाएगी। इसका नंबर क्या है भाई? 138, और ऊपर सूत्र है 137, स्वयं सूत्र है उपमानाच, वहाँ से उपमानात की अनुवृत्ति आती है।
तो क्या होगा सूत्र का अर्थ? वही है, हस्त्यादि वर्जितात् उपमानात् परस्य, बोलो, हस्त्यादि वर्जितात् उपमानात् परस्य पाद शब्दस्य लोपस्यात्, पाद शब्दस्य लोपस्यात् बहुव्रीहौ, बहुव्रीहौ, बोलो कैसे पढ़ेंगे? हस्त्यादि वर्जितात् उपमानात् परस्य पाद शब्दस्य लोपस्यात् बहुव्रीहौ। लोपो है कि लोप है? लोपो कहाँ होगा? लोपो गलत लिखा है, लोपह, लोपो शब्द नहीं बनेगा, लोपह बनेगा, ठीक है? लोपो यदि लिखा है तो गलत लिखा है, लोपह विसर्ग है ना। तो देखो, अहस्त्यादिभ्य का अर्थ बता दिया। हाँ जी, हस्त्यादि वर्जितात् उपमानात् है ना। हाँ, ये कह रहे हस्त्यादि गणपटित शब्द से रहित, हाँ शब्द से रहित, ऐसा शब्द पूर्व में हो। बोबरी समाज के पूर्व में क्या पद हो? हाँ, भिन्न शब्द हो। हाँ, हस्त्यादि गण में पठित नहीं होना चाहिए, उसे भिन्न पद हो और उपमान हो, उपमान वाचक हो। हाँ, उपमान बताएंगे है ना। जैसे उदाहरण आ रहा है, देखो, व्याघ्रस्य इव पादौ अस्य इति व्याघ्रपाद, ऐसा दिया है। पहले शब्द बनाओ, व्याघ्रपाद बनाओ, व्याघ्रस्य पादौ इति व्याघ्रपादः, व्याघ्रस्य पादौ इति व्याघ्रपादः। समझ में आया कि नहीं? हो गया, मतलब व्याघ्र का पाद, व्याघ्रस्य पादौ इति व्याघ्रपादौ, द्विवचन में करेंगे तो व्याघ्र पादौ हो जाएगा। सुनते हो? मतलब क्या हुआ? बाघ का पाद क्या है? व्याघ्र का पादव, ऐसा बोल रहा है। सुनते हैं ना? ठीक है, पहले आपको समझा देते, ये तब समझ में आएगा। पहले षष्ठी तत्पुरुष करो, क्या करेंगे? हाँ, इस सूत्र को छोड़ दो, पहले मैं समझाता हूँ। हैं, पहले क्या करेंगे? षष्ठी तत्पुरुष करो, कैसे होगा? व्याघ्रस्य पादौ इति व्याघ्रपादौ, हो गया? क्या समझ हुआ? षष्ठी तत्पुरुष हो गया, ठीक है, इतना हुआ। फिर क्या करेंगे? किसी का पाद है, मान लो बाघ के पाद की तरफ पाद है, किसी का पाद जो है ना, इधर लंबा चौड़ा है और क्या नाखून ही बड़े बड़े है, कोई असुर होगा, कोई भी हो, मान लीजिए उसका पाद जो है ना किसके तरह है, वहां पर समास करना है। सुनते हो ना? तो ये यहाँ पर विग्रह दिया है, व्याघ्रस्य इव पादो, विग्रह तो ऐसे ही करना है, ये संक्षेप दे दिया है ना, व्याघ्रस्य पादो इव पादो यस्य, ऐसा करना है। क्या करना है? व्याघ्रस्य अथवा व्याघ्र पादो इव पादो यस्य, ऐसा करो। सुनो मेरी तरफ, उधर छोड़ दो, जो लिखा है उसको छोड़ो। व्याघ्र पादौ इव पादौ यस्य, ऐसा करना, लिखो, व्याघ्र पादौ इव पादौ यस्य, विग्रह ऐसे ही करना है, ठीक है? सुनते हो भाई? हाँ, ये समास होता है, आपको समझा दें, समास होता है। सप्तम्यमान पूर्वपदस्य उत्तरपदलोपश्च उपसंख्यानम्, एक वार्तिक होता है। यहाँ पर है क्या कहीं? आगे है क्या? नहीं दिया है ना, सिद्धांत कुमुदी में है दिया, वहाँ पर नहीं दिया इसमें। हाँ दिया है, कहाँ दिया है, कहाँ दिया है? हाँ, टीका में दिया होगा, सिद्धांत को मैंने दिया, लिख दो। सप्तम्युपमान पूर्वपदस्य, लिखो, सप्तम्युपमान, सप्तम्युपमान पूर्वपदस्य, पूर्वपदस्य उत्तरपदलोपश्च, इतना है। हाँ, ये वार्तिक होता है, ऐसा दिया है आपकी वहाँ? जी दिया है। क्या दिया, पढ़ो तो।
सप्तमुपमाना पूर्वपदस्य उत्तरपदलोपश्च वार्तिक है, इससे समास होता है। सुनते हो, ठीक से लिखो है और याद करना, फिर एक बार बोल दो। सप्तमुपमाना पूर्वपदस्य उत्तरपदलोपश्च, समझ में ना, ये बोलते हैं। सप्तमी हो अथवा उपमान पूर्व पद में हो, पूर्व पद में क्या हो, उपमान हो, उपमान वाचक हो, सुनते हो, ठीक है। उसका उसका हाँ अन्य समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। और पूर्व पद में जो होगा उपमान वाचक का जो पूर्व पद होगा उसमें जो उत्तर पद है उसका लोप हो जाएगा। जैसे देखो सुनता हूँ, बताता हूँ, व्याघ्र पाद है ना, हाँ व्याघ्र पाद औ आगे पाद औ, यहाँ पर समास हो रहा है बहुव्रीहि समास, क्या समझा जाए, व्याघ्र पाद औ आगे पाद औ, कितना पाद हुए, दो पाद हुए है कि नहीं। पहला जो पाद किसका है, वो तो बाघ का है, और आगे जो पाद किसका है, वो किसी व्यक्ति का, राक्षस का हो आया कि नहीं आया, आ गया। पूरा पद कौन है, व्याघ्र पाद, उपमान है ना, है कि नहीं, ठीक है। उसका समास हो रहा है व्याघ्र पाद औ का, अन्य समर्थ सुबंत कौन है, पाद औ, वो भी सुबंत है, प्रथमांत है, समास हो रहा है। किसका किसके साथ बहुव्रीहि हो रहा है, बोलो, आप अकेले बोलो, हाँ हाँ समास हो रहा है, कौन सा समास, ऐसा समय अभी, ठीक है। तो और व्याघ्र पाद औ है, औ का तो लुप हो गया, दोनों औ का क्या हो गया, समझो प्रक्रिया है ना। तो पूर्व पद क्या है, व्याघ्र पाद, उत्तर पद क्या है, हाँ पाद, ठीक है। पूर्व पद में जो उत्तर पद है, पूर्व पद भी समास है ना, कौन पूर्व पद है, व्याघ्र पाद, व्याघ्र पाद में जो उत्तर पद कौन है, पाद, ये भारती बोल रहे इसका लोप हो जाएगा, क्या कहता है, इस बार इसका पाद का लोप हो जाएगा, समझ में बात को, ठीक है, लोप कर दिया, तो लोप कर दिया तो कितना रहा, व्याघ्र आगे पाद, ये बोलता है, ऐसे में ये बहुव्रीहि समास हो गया। पाद का तो पूरा लोप हो गया, किससे पाद का लोप हो गया, पूरा वार्तिक से, कितना रहा, व्याघ्र पाद इतना रहा, हाँ इतना रहा, ठीक है। हाँ यहाँ अभी ये सूत्र लग रहा है, कौन सूत्र, अभी पादस्य लोपो हस्तादिभ्य, अब लगाएंगे तो समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है, हो गया। तो पूर्व में क्या पद है, व्याघ्र, उत्तर में क्या पद है, पाद, सुनते हैं ना। ये जो व्याघ्र है ये उपमान वाचक हो गया, इसकी उपमा दी जा रही है ना, उपमा, ठीक है। तो व्याघ्र हो गया उपमान वाचक, यहाँ पर व्याघ्र कहने से व्याघ्र के बाघ के पात, यहाँ पर व्याघ्र का अर्थ केवल व्याघ्र नहीं लेना है, व्याघ्र के जो पात, ऐसा अर्थ हो गया, क्योंकि पात का लोप हो चुका है ना, व्याघ्र की उपमा नहीं दी जा रही है व्यक्ति में, किसकी उपमा दी जा रही है, व्याघ्र के पाद की उपमा दी जा रही है, आगे समझ में, वो व्यक्ति बाघ की तरह है क्या, नहीं है, उसका पाद बाघ की तरह, ये कहना है इनको हो गया। तो उपमान वाचक हो गया व्याघ्र, हो गया, हाँ लिख लो, उपमान वाचक हो गया और व्याघ्र का अर्थ व्याघ्र का पाद, ऐसा तात्पर्य है, लक्षणा से कह रहे हैं, ठीक है। तो ओ हस्त्यादिगण में आया क्या, व्याघ्र नहीं आया, हाँ नहीं आता है ना, तो हस्त्यादि गण में व्याघ्र शब्द नहीं है, इसलिए हस्त्यादि से वर्जित हो गया, और उपमान वाचक भी है कौन, व्याघ्र है कि नहीं। उससे परे क्या शब्द है, पाद, ऐसा पाद जिसके अंत में हो ऐसा बहुव्रीहि समास कौन है, व्याघ्र पाद, हो गया। तो इसको क्या करेगा, लोप, समासांत लोप हो जाएगा, क्या होगा, समासांत लोप होगा तो अंतिम वर्ण का लोप होगा,
अंतिम वर्ण कौन है? ओकार। हाँ, दो में ओ, ओकार चला गया। कितना रहा? व्याघ्रपात। सुनते हो जी? ठीक है, इसका संक्षेप से ये उपमान है। ये सुनो, व्याघ्र उपमान वाचक है, इसलिए इस व्याघ्र उपमान है ना, इस अर्थ को दिखलाने के लिए वृत्ति में बोल दिया व्याघ्रस्य इव। व्याघ्र शब्द लाक्षणिक शब्द है। व्याघ्र शब्द क्या होगा? लाक्षणिक शब्द है, उसके लक्षण कर रहे हो। व्याघ्र के लक्षण किस में कर रहे हो? व्याघ्र पाद में कर रहे हो। हाँ, समझ में? हाँ, बाघ के पाद की तरह बोल रहे हो ना, इसलिए इव कह रहा है। इव समास के अंतर्गत नहीं है, अर्थ को समझाने के लिए इव कह रहा है। सुनते हो ना, ये कह दिया। तो औकार चलेगा तो कितना रहा? बोलो भाई, व्याघ्र पाद। तो कहाँ से आ गया? तकर बावसन है, बावसन से चर करेंगे तो तकार हो जाएगा, दो शब्द रहेगा, व्याघ्र पाद भी होगा, व्याघ्र पाद भी होगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है भाई, हो गया ना। हालांकि आपके टिप्पणी में दिया है गीता प्रेस में, सबसे नीचे दिया है। हाँ, पूरे वास्तविक समाज का विग्रह तो ये होता है, देखो सबसे नीचे दिया है गीता प्रेस में, व्याघ्र से पादो इव पादो अस्य। हाँ, वास्तविक तो समाज का विग्रह यही है। कौन? सबसे नीचे पादो इव पादो, ऐसा होता है। ठीक है, हो गया भाई। और देखो वृत्ति में दे दिया अहस्त्यादिभ्यः किम्। बोलो, अहस्त्यादिभ्यः किम्। क्योंकि बोबरी समाज के पूर्व पद में क्या नहीं होना चाहिए? हस्त्यादि गण में पठित शब्द नहीं होना चाहिए। तो नहीं कहते तो यहाँ पर भी हो जाता समासांत, जैसे हस्तिपादः, कुशुलपादः। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं, सुनो, पहले हस्तिपादौ शब्द बनाओ, हस्तिनः पादौ इति हस्तिपादौ। सुनते हो भाई? क्या हस्तिनः पादौ इति हस्तिपादौ बन जाएगा पहले, मतलब हाथी का पाद। क्या है हाथी का पाद? हाथी है, है ना। हस्तिनः नकारांत होता है, हस्तिनः पादौ, औलो के विग्रह क्या होगा? हस्ती। अरे भाई, ये कोई व्यक्ति को बोल रहे हो ना, व्यक्ति के चार पाद है क्या? अरे उससे क्या मतलब भाई, किसी है कि नहीं? चलो तो बहुवचन कर भी तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन व्यक्ति क्या है ना, व्यक्ति के दो पाद होते हैं, इसलिए कहा जाए। ठीक है, तो हस्तेन आगे क्या है? हाँ, औ काय क्या होगा? हस्तिन गंस है ना, षष्ठी तत्पुरुष है, पहले षष्ठी तत्पुरुष को बता रहा हूँ। हस्तिन गंस है कि नहीं? हाँ, आगे पाद ओ भी करो, जस भी करो, कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, पाद ओ। ठीक है, तो क्या बन गया? हस्तिपाद, नकार का लोप हो गया, किससे? न लोप से। कितना रहा? हस्तिपाद, पाद हो गया ना समास कर देने पर, है कि नहीं? हाँ, इसका फिर समास कर रहे हो किसके साथ? पाद के साथ, पाद ओ के साथ, हस्तिपाद ओ, आगे पाद ओ, किससे? वही भारती सप्तमान पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपस्य। तो हस्तिपाद में जो पाद है उसका लोप हो गया। क्या लोप हो गया? सुनते हैं ना भाई, कितना रहा भाई? बोलो, हस्तिपाद, नकार के लोप हो चुके हैं, है कि नहीं? हस्तिपाद क्या समास है? बोबरी है, बोबरी है। ठीक है, और हस्तिपाद में अंतिम में पाद शब्द तो है, लेकिन पूर्व में कौन सा पद है? हस्ति, हस्त्यादि गण में आ गया, इसलिए समासांत नहीं हुआ। कौन सा समासांत? लोप। समासांत यहाँ पर लोप है, अंतिम वर्ण का लोप। ये दो में औकार का लोप नहीं हुआ। हाँ, यदि लोप होता तो क्या शब्द बनता है? हस्तिपाद,
नहीं बनेगा अभी, ओकार रहेगा हस्ति पाद। अरे किसी के बड़े बड़े पाद होते ना हाथी के तरह क्या, वो आके कह दिया कुशुला पाद, क्या कह दिया यहाँ पर तो उपमान तो कुछ है ये क्या, हाँ इसका भी है, ये भी उपमान ही है ना, कुशलो पादो, कुशल किसको बोलते हैं, वो किसी के बीमार होता है ना, बीमार होता है ना कोई के, ऐसे पाँव फूल जाता है बड़ा हो जाता है, अच्छा, उसको बोलते हैं, हाँ उसको बोलते हैं कुशल। अच्छा बिछने में रखता हूँ आज, ओम पूर्णमद नहीं नृत्तावसाने नटराज राजो।